हेलो ट्रस्ट प्रेगनेंसी केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। ओरल ग्लूकोल चैलेंज टेस्ट यानी OGCT की मदद से यह पता लगाया जाता है कि आपको डायबिटीज का खतरा है या आपको डायबिटीज की बीमारी हो चुकी है। जब भी एक सामान्य व्यक्ति खाना खाता है तो उसके शरीर में ब्लड शुगर लेवल हाई होता है। हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है जिसे इंसुलिन कहा जाता है। इंसुलिन की मदद से शुगर को ब्लड से सेल्स तक पहुंचाने में मदद मिलती है। इस तरह ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज होगी तो इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाएगा। ज्यादा शुगर के कारण ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचता है। इसी वजह से प्रेगनेंसी में हार्ट डिजीज, नर्व डैमेज, आई डिजीज और किडनी डैमेज का खतरा बढ़ जाता है। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए जांच करवाना जरूरी है। प्रेगनेंसी में डायबिटीज को चेक करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसे OGCT टेस्ट कहा जाता है। तो OGCT टेस्ट की जरूरत कब पड़ती है ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज की समस्या है तो ये टेस्ट करवाना पड़ता है। PCOD होने पर भी डॉक्टर OGCT टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। परिवार में किसी को शुगर, ब्लड शुगर की शिकायत है तो ये जांच जरूर करवाएं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो भी डॉक्टर इस जांच को करवाने की सलाह देते हैं। जो महिलाएं मोटी हैं उन्हें OGCT टेस्ट करवाना पड़ता है। OGCT टेस्ट कैसे किया जाता है? OGCT टेस्ट करने के लिए आपके हाथों की नस में से ब्लड सैंपल लिया जाता है। इसके बाद ग्लूकोज का पानी पीने के लिए दिया जाता है। प्रेगनेंसी में 1 घंटे बाद ब्लड शुगर लेवल की जांच की जाती है। इस टेस्ट को आप खाने के बाद करवा सकती हैं। ध्यान रहे कि अब ज्यादा दवाएं या चीनी का सेवन ना करें। OGCT टेस्ट का नॉर्मल स्तर क्या है? OGCT टेस्ट में आपको शुगर ड्रिंक पीने के लिए दी जाती है। ड्रिंक पीने के बाद आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, लेकिन चीनी वाली ड्रिंक खत्म करने के बाद जैसे जैसे इंसुलिन ग्लूकोज को सेल्स में भेजेगा वैसे वैसे शरीर में ब्लड शुगर लेवल सामान्य होता जाएगा। लेकिन अगर इससे जरूरत से ज्यादा समय लग रहा है तो आपको डायबिटीज का खतरा हो सकता है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 140 से कम है तो ये नॉर्मल माना जाएगा। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 200 या उससे ज्यादा है तो इसे डायबिटीज कहा जाएगा। 140 से 199 यानी 140 to 199 के बीच में प्री डायबिटिक स्टेज होती है। OGCT टेस्ट में आपको 3 या उससे ज्यादा घंटों का समय लग सकता है। इस जांच में शुगर वाली ड्रिंक पीने से पहले ब्लड सैंपल लिया जाएगा, फिर उसके बाद हर घंटे में खून की जांच होगी। प्रेगनेंसी में 140 या उससे ज्यादा ब्लड शुगर लेवल होना असामान्य माना जाता है। OGCT टेस्ट का परिणाम। अगर OGCT टेस्ट से डायबिटीज होने की संभावना का पता चलता है तो डॉक्टर A1C टेस्ट करवाते हैं ताकि ये बात कंफर्म हो सके कि आपको 3 महीने के अंदर डायबिटीज है या नहीं। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और दवाएं लेने की सलाह देते हैं। प्रेगनेंसी में हेल्दी डाइट और फिजिकल एक्टिविटीज की मदद से डायबिटीज से बचा जा सकता है। अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज यानी गर्भकालीन डायबिटीज है तो डिलीवरी के बाद टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। अगर OGCT परिणाम में ये नजर आता है कि आप प्री डायबिटीज
कि स्टेज पर हैं तो हेल्दी लाइफस्टाइल की मदद से इस समस्या को खत्म किया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का विशेष वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।